चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स पढ़ना। जहां तक के पिछले वीडियोस में, पिछले क्लास में जहां तक के हम लोग मैथ्स को सॉल्व किए थे, अब उसी से आगे हम लोग चलेंगे। 12th एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। आइए इसका आगे का क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया है, कुछ नहीं दिया है तो आप मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। ये हमें सवाल दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। प्यारे छात्र, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्यों ना हम यहाँ पे बट्टा वाला रूल लगाए। आपको पता होना चाहिए, ऊपर वाला को मान लेंगे u, ये हो जाएगा u और नीचे वाला हो जाएगा मेरा v। तो आपको पता होना चाहिए कि डी यू बाय वी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो भागा वाला डिफ्रेंसिएशन होता है, नीचे में पहले v स्क्वायर करो, फिर v को बाहर निकालो, u का डिफ्रेंसिएशन करो, माइनस अब की बार u को डिफरेंशिएट बाहर करो और v का डिफरेंशिएशन। ये हम लोगों का फार्मूला है, हम लोग पहले पढ़ रखे हैं इस फार्मूले को। चलिए अब उसी के आगे हम लोग dy बाय dx निकालते हैं। तो dy बाय dx प्यारे छात्रों कैसे होगा, तो नीचे भी है तो आप इसको कर दीजिए cos स्क्वायर cx प्लस डी, cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब भी को बाहर निकालना है तो हम भी को आगे ले जाएंगे, मतलब cos cx प्लस डी इंटू यू का डिफरेंशिएशन, मतलब ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, तो डी साइन ए एक्स प्लस बी। अब किसके रिस्पेक्ट में, तो यहां तो x के रिस्पेक्ट में करने के लिए बोल रहा है du बाय dx, लेकिन यहां dx लिखने के लिए हम नहीं राजी होंगे, इसलिए राजी नहीं होंगे क्योंकि साइन के बगल में ax प्लस बी है, तो चैन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ ax प्लस बी लिखेंगे। ये फार्मूला तो आपको पता होगा, इसलिए हम स्पेस कम होने के कारण इसको मिटाए हैं, इनटू फिर चैन रूल ये बोलता है कि नीचे वाला को ऊपर ले जाओ, तो डी ax प्लस बी बटा में क्या dx, फिर क्या बोलता है माइनस करो, तो माइनस कर दिया। अब की बार u को बाहर निकालना है, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी को बाहर किए तो भी का डिफरेंशिएशन, यानी कि डी सी एक्स सॉरी डी कॉस सी एक्स प्लस डी किसके रिस्पेक्ट में, तो कॉस का डिफरेंशिएशन डी कॉस एक्स बटा dx न होता है माइनस साइन x, यानी कि यहाँ x और यहाँ x होना चाहिए तभी ना फार्मूला पे आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी सी एक्स प्लस डी, और जितना नीचे लिखते हैं चैन रूल बताता है उतना ही को ऊपर लिखना है, सी एक्स प्लस डी बटा डी एक्स, और पूरा का नीचे बट्टा है भी स्क्वायर cos स्क्वायर सी एक्स प्लस बीच में लिख दिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगा, जो बाहर निकालते हैं उसको हमको कोई लेना देना नहीं है। तो यहां cos cx plus d है, तो आप यहां लिखिए cos cx plus d इंटू इंटू है तो इंटू। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब साइन एक्स रहता डी एक्स रहता तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस लिखते हैं, यहां पे साइन है तो यहां पे लिख दीजिए कोस, और यहां पे एक्स प्लस बी है तो यहां हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, फिर से इंटू। अब ए एक्स प्लस बी को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, डी ए एक्स बटा डी एक्स। हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी डिफरेंशिएशन यदि प्लस और माइनस में रहे तो आप यहां से हम लोग तोड़ सकते हैं, तो एक्स बटा डी एक्स तोड़ दिए, प्लस डी बी बटा डी एक्स तोड़ दिया, फिर क्या है माइनस, फिर माइनस दे दिए। अब की बार क्या है, साइन
ए एक्स प्लस बी, चूंकि मेरे पास स्पेस नहीं है उधर, तो हम लोग इसी के आगे नीचे से लिखना शुरू करते हैं। आपको जब भी कॉपी में बनाना है तो आपको इस तरीके से बनाना है ताकि ये वाला जो पूरा लाइन यहां से शुरू हो डायरेक्ट इसका वैल्यू अंत तक जाए, राइट। तो चूंकि वैसे अच्छा लगता है देखने में भी, और चूंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो हम इस चीज को नीचे लिखेंगे और फिर पूरा का बट्टा नीचे में, तो बट्टा में रहेगा ही रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं मेरे को, राइट। साइन एक्स प्लस बी, अब यहां पे है कॉस और यहां पे है सी एक्स प्लस बी, यानी कि कॉस एक्स का डिफरेंसिएशन पता होना चाहिए कि कॉस एक्स का डिफरेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स होता है, यानी कि यहां वाला एक्स, तभी ना फॉर्मूला पे बनने के लिए तो हम लोग सी एक्स प्लस डी बनाए हैं। तो इसको हम लोग कोस का लिखेंगे क्या, इंटू में करके, चूंकि ये और ये सभी इंटू में होते हैं, तो माइनस साइन कोस का क्या होगा, माइनस साइन, और यहां पे हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, फिर से इंटू में, उसके आगे है तो यहां पर लिख दे इंटू, अब यहां पर क्या है प्लस सी एक्स प्लस डी बटा डी एक्स, तो हम इसको तोड़ देंगे, क्या होगा डी सी एक्स बटा डी एक्स प्लस डी डी बटा डी एक्स। आपको पता होना चाहिए प्यारे छात्रों कि यहां पे सी और डी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट बोले तो 2, 4, 6, 8 जैसा होता है ना, वैसे ये कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। तो मेरा कहने का मतलब जैसे ए बी ये सब कांस्टेंट है, सी एक्स ये सब भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कि स्थिरांक है, और हम लोग जैसा जानते हैं नीचे में क्या है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो इसके नीचे लिख देंगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। चलिए अब मेरे पास स्पेस कम है तो हम फिर ऊपर से मिटाएंगे और फिर इस चीज का आगे का सॉल्यूशन करेंगे, तो आप बिल्कुल इसको देखते जाइए कैसे सॉल्यूशन हो रहा है और समझकर और अपने कॉपी में नोट डाउन भी कीजिए, जो फार्मूला में प्रॉब्लम आ रहा है उस फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या सॉल्यूशन होगा, यहां से बात देखें तो यहां पर देखिए तो कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस एक्स प्लस डी दोनों गुना में है, तो आप इसको वैसे लिखिए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, लिख दिया। अब इंटू में है, इंटू में क्या है भाई, तो डी ए एक्स बटा डी एक्स, तो ए क्या है कांस्टेंट, और जो भी हम लोग जानते हैं कि अगर कांस्टेंट रहता है उसको बाहर निकालते हैं, तो अगर ए को बाहर निकालेंगे तो डी एक्स बटा डी एक्स, डी एक्स बटा डी एक्स, फिर प्लस, और ये तो कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंसिएशन कितना, जीरो, लिख दिया। फिर माइनस, माइनस साइन, अच्छा एक मिनट, माइनस नहीं यहां पे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस साइन एक्स प्लस बी और माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहां पे लिख दिया प्लस, फिर क्या, तो साइन यहां से ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी और फिर से इंटू इंटू, यहां पे भी तो वही बात है, सी मेरा क्या है कांस्टेंट, तो जब सी मेरा कांस्टेंट है तो सी को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा डी एक्स बटा डी एक्स प्लस क्या, तो डी भी तो एक तरीके का कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू कितना जीरो, और पूरा का बट्टा में, पूरा का बट्टा में यही कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी नीचे। अच्छा अब आगे हम लोग काम करते हैं तो क्या बनेगा, ये तो गुणा नहीं है, कोई बात नहीं है। अब अगर आप बढ़िया से सोचेंगे तो डीएक्स बाय डीएक्स का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, हम लोग पिछली बार भी देखे हैं कि डीएक्स बाय डीएक्स का वैल्यू वन होता है, तो अगर ए को वन से गुना करेंगे तो ए बनेगा, और ए में जीरो को एड करेंगे तो ए ही ना होगा, और पूरा ये गुना में है तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ए, ए को हम पहले लिख देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और फिर से प्लस, और यहां वाला अगर बात देखें तो साइन ए एक्स प्लस बी
और साइन सी एक्स प्लस डी, माइनस माइनस प्लस में तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे dx बाय dx का वैल्यू कितना, वन, और वन को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c, और उसमें जीरो को ऐड करेंगे तो c ही होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात देखा जाए तो c को आगे रख देंगे तो बनेगा c साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बट्टा में क्या, ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो अब जरा आंसर देखते हैं कि किस फॉर्म में आंसर है, क्योंकि अक्सर क्या होता है डिफरेंशिएशन में कि आपका जो रियल आंसर है वो बुक का वो आपको मैच नहीं करता है, इधर उधर करके आपको कराना पड़ता है उसको। तो 5.2 का एक क्वेश्चन नंबर है, फिफ्थ क्वेश्चन। तो यहां पे ए कॉस सी एक्स प्लस डी, बढ़िया। यहां पे अच्छा एक और काम कर दिया है, चलिए हम लोग आंसर को मैच करने के लिए, प्यारे छात्रों हम लोग को अगर एग्जाम में आएगा तो यहां तक भी अगर आंसर छोड़ेंगे कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास बुक है और बुक के पीछे आंसर दिया हुआ है, तो आंसर को हम लोग देख के उस तरीके का लाने का प्रयास करते हैं, राइट। अगर मान लिया कि यही क्वेश्चन अगर सवाल में दे दिया, एग्जाम में दे दिया, कोई पूछ दिया, तो यहां तक भी बोलेंगे कि ये आपका आंसर है तो गलत नहीं काटेगा। अब रहा बात कि चूंकि हमारे पास बुक है और बुक के पीछे का आंसर है, तो चलिए हम आंसर को मैच करके दिखाते हैं कि वो आंसर लाया कैसे है। क्योंकि मैथ्स का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज प्लस में रहे, जैसे ए प्लस बी बट्टा में अगर सी रहेगा, तो प्यारे छात्रों इसको हम लोग तोड़ना सीखे हैं कि ए बट्टा सी और प्लस बी बटा सी में टूट जाता है, या यूं कहें तो ए गुना बी माइनस सी गुना डी बटा में अगर ई रहेगा तो हम लोग इसको तोड़ना सीखे हैं, यानी कि प्लस माइनस में ही टूटता है। यहां लिखेंगे ए गुना बी बटा ई माइनस सी गुना डी बटा ई। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैथ्स में ऐसा कहीं भी फॉर्म रहेगा तो हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं। सो अब हम लोग को आंसर भी लाना है, तो चलिए हम लोग आगे का काम इसी पे करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहां सभी चीजें गुना में है, यहां से यहां तक सभी चीजें गुना में है, और बीच में क्या है, प्लस। बीच में अगर प्लस रहे, बीच में अगर माइनस रहे, तो हम लोग उसको अलग अलग तोड़ सकते हैं। इट मीन्स कि ऐसे ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी बट्टा में तोड़ दिया कितना, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, चूंकि ये नीचे वाला सबका बट्टा है तो ये एक बट्टा इसके नीचे आएगा, प्लस अब यहां से कर दिया सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी और बट्टा में क्या, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि कॉस सी एक्स प्लस डी ऊपर एक ठो है और नीचे दो ठो है, तो एक ठो तो खत्म होगा कहानी, या अच्छा इस कॉस स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। दोबारा लिख दिए, क्यों ऐसा लिख दिए, देखिए अब मेरा ऐसा सोचावट नहीं है, क्योंकि आंसर मिलाना है ना, तो हम आंसर देख लिए कि वो आंसर में क्या क्या लाना है, इसलिए ही वैसा काम कर रहे हैं। और हम तो पहले ही बोले हैं अभी जस्ट कि आप आखिर आदमी कितना आंसर याद रखेगा कि किस तरह का आंसर लाना है, इसलिए आप चूंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं ना तो आंसर बिल्कुल नहीं, हम तो आपको इसलिए आंसर मैच करवा रहे ताकि कितने लोग तो ये सोचने लगे कि सर का तो आंसर मैच किया ही नहीं, यानी कि हो सकता है गलत है। तो प्यारे छात्रों कभी भी ऐसा नेगेटिव सोचना नहीं है, अगर हम लोग अगर अच्छे से काम करेंगे और फ्रॉम फार्मूला एट द टू द पॉइंट अगर सॉल्व करेंगे तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आप खुद पे विश्वास रखिए, राइट। चलिए तो हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं चूंकि आंसर में हमें मैच करना है, तो यहां से कॉस और एक ठो कॉस कट गया, टोटल मिलाकर क्या बच रहे हैं, ऊपर ए, और हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं भाई, वन बाय
वन बाई कॉस एक्स का जो फार्मूला होता है वो सेक एक्स होता है, जानते हैं ना। वन बाई अगर कॉस रहता है तो सेक होता है, ये हम लोग टेंथ में पढ़े थे, टेंथ में भी पढ़े थे कि अगर साइन बटा अगर कॉस रहेगा, साइन एक्स बटा कॉस एक्स, याद रहिए ऊपर ऊपर नीचे वाला सेम होना चाहिए, एक्स एक्स तभी ये कहलाता है टेन एक्स। ठीक है, छोटी छोटी बात को आपको सीखना है। अगर यहां एक्स रहेगा तो आपको सेक एक्स रखना है, अगर यहां पी रहता तो हम लोग पी डालते। उसी तरीके से देखिए, ए का तो ए मैंने लिख लिया, अब वहां नीचे में क्या बच रहा है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी एक बच रहा है, वन बटा में है ना। तो इसको जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, कॉस को ऊपर ले जाएंगे कॉस को, तो यहां बन जाता है सेक, एक्स रहता तो एक्स, यहां क्या था सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी, और यहां पे इंटू में क्या है तो कॉस ए एक्स प्लस डी, एक पार्ट तो आ गया। अब ये आप आंसर मैच करेंगे तो बिल्कुल मैच करेगा आपको बुक का आंसर से। अब बताइए यहां तो भाई सी एक्स प्लस डी है, तो हम क्या बोले कि साइन एक्स और बल्टा में कॉस एक्स रहेगा तभी आप टेन एक्स लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए ये वाला पार्ट, साइन सी एक्स प्लस डी और बट्टा में क्या कॉस सी एक्स प्लस डी, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स एंगल के देखिए सेम सेम है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे आराम से हम लोग टेन सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। परंतु प्यारे छात्रों यहां पे नीचे में है कॉस सी एक्स प्लस डी, तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो कॉस से क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से लिखते हैं, सी है तो सी, फिर क्या है साइन, फिर ए एक्स प्लस बी, और फिर नीचे का कॉस अगर ऊपर जाता है तो फिर से बनेगा सेक, क्या भाई तो सी एक्स प्लस डी, और इंटू साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, तो यहां हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी। तो इस तरीके से ये जो एक स्टेप आगे हम लोग दो स्टेप बढ़ गए तो हम लोग का बुक का आंसर मैच कर गया है। तो हम फिर से दोबारा से ये बोल रहे हैं कि आप कभी भी मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप बुक के आंसर पे मत जाओ, बुक के आंसर को ज्यादा मैच करने का प्रयास नहीं करो। अगर खुद पे भरोसा है, खुद का आंसर अगर वो सही होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमने तो इसलिए मिलवा दिया आंसर कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स नहीं हो, गलत नेगेटिव ना सोचे कि सर से भी आंसर नहीं आया, क्या है गलत हो सकता है, ये हो बहुत तरह की बात है। तो हम फिर से बोल रहे हैं कि यहां तक भी हम आंसर छोड़ सकते हैं, एग्जाम में आए तो कोई गलती नहीं होगा, और यहां तक कर देंगे तो फिर बहुत अच्छी है, अच्छा बात है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 10 मार्क्स करेगा तो यहां तक करेंगे तो 12 मार्क्स मिलेगा, यहां तक भी करेंगे तो 10 मार्क्स ही मिलेगा क्वेश्चन, अगर मान लिया कि 10 मार्क्स का होगा तो 10 मार्क्स ही मिलेगा, तो क्या फर्क पड़ता है। अब रहा बात कि मैंने यहां आंसर दिया हुआ है बुक के पीछे, तो फिर हम लोग मैच कर लेते हैं, वरना ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको आंसर को मैच ही करना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है सर इतना लंबा, तो लंबा है नहीं क्योंकि आप सिस्टमेटिक तरीके से उसको सीखिए क्या कि हम लोग कर कैसे रहे हैं, तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अपने से मान लिया वाई बराबर कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। चलिए तो ये क्वेश्चन है, अब हमको इसको करना है डिफरेंशिएशन, इसको क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो आप ये समझिए कि क्यों ना यहां पे गुना में है। मान लिया कि एक को मान लो u, जो पहले वाला u है और बाद वाला v है, तो हम लोग u इंटू वी का डिफरेंशिएशन सीखे हैं। क्या होता है u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, u को बाहर करेंगे यानी कि cos x क्यू को बाहर किए, फिर इंटू वी का डिफरेंशिएशन करना है, तो वी का डिफरेंशिएशन कैसे डी वी बाई डी एक्स, तो वी के जगह पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और बट्टा। अब तो प्रॉब्लम है दोस्त,
इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि यहां पे हमको किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में करना होगा जो हमें फार्मूला पे बना सकता है। एक बात बताइए हमें कि अगर x के पावर 8 रहेगा तो आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे कि ये फार्मूला पे आ जाएगा? तो आप यही ना रिस्पेक्ट में करेंगे कि सर dx फार्मूला पे होगा, x के पावर n बटा x पे फार्मूला पे। लेकिन हम अगर बोले कि भाई आप करो p का डिफरेंशिएशन p के पावर 6 का करो, किसके रिस्पेक्ट में आप करोगे, यहां पे क्या लिखोगे कि फार्मूला पे आ जाएगा, तो आप क्या dx लिखोगे? नहीं ना, आप तो लिखेंगे dp, क्योंकि सर dp के पावर अगर 6 है तो यहां आपको dp लिखना पड़ेगा। तो जरा आप एक बार ध्यान दीजिए, अगर हम बोल दिए कि x प्लस 4 का पावर अगर 8 है तो इसका डिफरेंशिएशन आप किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर कोई फंक्शन का पावर में रहेगा और उसको हम अपने तरीके से किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जिसका पावर रहता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। p के पावर 6 है तो p लिख दिए, वैसे ही x प्लस 4 का पावर 8 है तो हम लोग इसको लिखेंगे x प्लस 4, तभी ना ये फार्मूला पे आएगा। x के पावर 8 रहता है तो x के रिस्पेक्ट में, यानी कि बेस जो रहता है आधार उसको नीचे लिखा जाता है। तो कुल मिलाकर इसको ऐसा लिखने से फायदा हो जाएगा, फार्मूला पे बन जाएगा कि 8 जो है पहले निकालो और जो जिसका पावर रहता है, जिस जो आधार रहता है आधार लिखो और 1 माइनस कर लो, तो 8 में से 1 गया 7। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर कुछ ऐसा फंक्शन रहेगा तो आपको खुद से मैथ में सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर इस तरह का फंक्शन है तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमको फार्मूला पे आएगा। जरा एक और हम लोग कुछ चीजों को लेकर समझते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग एक क्लास में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करें तो और बढ़िया से समझ के करें तो हमारे लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 4-5 क्वेश्चन फटाफट समाप्त करने के लिए, और हम लोग पढ़ते भी हैं तो खत्म करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, समझने के लिए पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप एक क्वेश्चन को इस तरीके से, इस ढंग से समझिए कि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और ऐसा अगर आप चाहें तो हो जाएगा, आप अगर नहीं चाहें तो नहीं होगा, क्योंकि आदमी जो चाहता है वो हो जाता है, नहीं चाहता है तो फिर कहां से होगा। तो चलिए और एक और एग्जांपल देते हैं। अगर हम बोले कि भाई साइन स्क्वायर एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? तो बिल्कुल, साइन स्क्वायर एक्स का मीनिंग क्या हुआ दोस्तों? साइन स्क्वायर एक्स का मीनिंग होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर ना। प्यारे छात्रों, हम लोग टेंथ में ऐसा सीखे हैं, अक्सर होता क्या है ना कि अगर कोई भी फंक्शन का, कोई भी नंबर का स्क्वायर चढ़ाने के लिए, जैसे मान लिया 2, तो इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर। लेकिन त्रिभुज का ही ऐसा 6 पार्ट्स है, साइन कोस टेन कोट, कि अगर उसका स्क्वायर करना पड़े, जैसे टेन का एक्स का अगर कोई स्क्वायर बोले तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं टेन एक्स स्क्वायर, गलत, इसको लिखना होगा टेन स्क्वायर एक्स। इसका मीनिंग हुआ कि टेन एक्स का आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स का मीनिंग हुआ टेन एक्स गुने टेन एक्स, या यू बोले तो टेन एक्स का होल स्क्वायर। कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसा लिख देंगे तो टेन एक्स स्क्वायर का मीनिंग हुआ कि टेन के एंगल में एक्स स्क्वायर है, ये पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा। तो पहले छात्रों, अगर ऐसा कहीं भी रहेगा तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, पहले अगर ऐसा सवाल रहेगा साइन स्क्वायर तो आप ऐसे लिखेंगे डी साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब किसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग पढ़े हैं कि इसको फार्मूला पे लाना होगा, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, तो डी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों साइन एक्स के रिस्पेक्ट में? क्योंकि साइन एक्स का ही पावर है, तो अगर साइन एक्स को नीचे लाएंगे तभी ना ये फार्मूला पे बैठ पाएगा। प्यारे छात्रों, डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स, नीचे नीचे वाला तो सेम होना चाहिए, तो साइन एक्स। अगर हम लोग आगे करना होगा तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, डी साइन एक्स बटा में क्या डी एक्स, राइट।
यानी कि यहां पे हम लोग जो चैन रूल लगाते हैं ना, वो किस लिए चैन रूल लगाते हैं, ताकि डिफरेंशिएशन करने के लिए फार्मूला पे बैठाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए, इतना चीज समझने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो हम लोग अभी क्वेश्चन में ये अप्लाई करने वाले हैं, ये आपको अच्छे से समझ आएगा। ये साइन स्क्वायर एक्स के पावर फाइव है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के पावर फाइव है ना। तो इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आप बताइए कि इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस एक्स क्यू इंटू डी साइन एक्स के पावर फाइव का स्क्वायर, देख पा रहे होंगे इतना का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर का मतलब हुआ इतना का स्क्वायर। अब किसके रिस्पेक्ट में, तो जिसका पावर रहता है उसके रिस्पेक्ट में, तो डी साइन एक्स के पावर फाइव। और चैन रूल क्या बोलता है कि नीचे वाला को हमेशा कहां ले जाना है, ऊपर, तो डी साइन एक्स के पावर फाइव बटा। अब आपको फिर से ठहरना है, अब आपको ये समझना है कि अब ये फार्मूला, अब यहां पे नीचे क्या लिखा जाए कि फार्मूला पे आ जाएगा। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि यहां साइन है, यहां कुछ भी रहता है, डी साइन रहता है तो एक्स रहता है, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में ना, तो यहां किसके रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स के पावर फाइव के रिस्पेक्ट में। फिर से नीचे वाला कहां जाएगा, ऊपर, डी एक्स के पावर फाइव। प्यारे छात्रों, अगर पावर वाला हम लोग अभी देखें तो किसके रिस्पेक्ट में यह फार्मूला पे बैठ जाएगा, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स है तो एक्स चाहिए आधार वाला। तो अब कुल मिलाकर इसका हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा डिफरेंशिएशन करने में, कैसे भाई, तो कॉस एक्स क्यू इंटू, अब साइन का डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन नहीं समझना है, यहां पे पावर वाला डिफरेंशिएशन चलेगा, पावर वाला फार्मूला चलेगा, क्यों, क्योंकि पावर है। तो पावर वाला फार्मूला क्या है कि टू को बाहर निकालते हैं, तो टू को बाहर निकाल दिए। अब जो आधार है वो आधार लिखा जाता है साइन एक्स के पावर पांच का आधार कितना, तो यहां पावर दो है तो दो माइनस एक इंटू साइन एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में कोसेक्स होता है तो साइन का यहां हो जाएगा कोस, और एंगल में एक्स के पावर फाइव है तो एक्स के पावर फाइव इंटू, अब इसका भी पावर वाला फार्मूला हम लोग पढ़े कि जो भी पावर में रहता है वो पहले आ जाता है, तो पांच पहले आ गया, जो आधार है उसको लिखते हैं, आधार लिख दिए, जितना पावर है उसमें से एक घटाना रहता है, तो पांच में से एक गया प्यारे छात्रों, चार बचेगा, चार लिख दिया। अब उसके बाद जो हम लोग काम करेंगे, जो वैल्यू है उसको लिख देंगे, और इसको सिस्टम तरीके से लिख देंगे, यहां पे तो टू गुना में है और यहां फाइव गुना में है, तो फाइव को टू से गुना कीजिए तो बन गया टेन। अब यहां पे लिख दीजिए कॉस एक्स क्यू, फिर से इंटू, यहां पे साइन एक्स के पावर फाइव है और पावर दो में से एक गया तो एक ही ना बचेगा, आप यहां एक लिखिए या तो फिर ऐसे लिख दीजिए साइन एक्स के पावर फाइव इंटू कॉस एक्स के पावर फाइव, इसको इंटू फाइव और टू को तो मल्टीप्लाई कर दिया है, एक्स के पावर फोर, एक्स के पावर फोर। तो यहां तक भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं और ये मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब जरा बुक के आंसर को भी देख लिया जाए कि आखिर इसमें जो आंसर कैसे दिया है और हमें कुछ चेंज भी करना पड़ सकता है या फिर कुछ चेंज करके ही हमें आंसर को शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो जरा सा हम देख लेते इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सिक्स, जी बिल्कुल सही है आंसर, टेन एक्स के पावर फोर, टेन एक्स के पावर थ्री इंटू साइन एक्स के पावर फाइव कोस एक्स के पावर फाइव इंटू एक्स के पावर फोर, बिल्कुल सही। तो प्यारे छात्रों, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि यू इंटू वी पे तोड़ रहे थे, यानी कि यहां व्हाट है, व्हाट का मतलब इसके नीचे क्या डालना है, लेकिन अब जब आंसर मिलाएंगे तो ये एक पार्ट का ही आंसर है। क्यों एक पार्ट का आंसर है, क्योंकि हम लोग यहां पे जरा देखिए
डी यू इंटू वी का फार्मूला क्या पढ़े थे, यू को बाहर करो डी वी बाई डी एक्स प्लस प्लस वी को बाहर करो डी यू बाई डी एक्स, यानी कि ये फार्मूला था U इंटू वी का, कि U को बाहर करो V का डिफरेंशिएशन, V को बाहर करो U का डिफरेंशिएशन। तो प्यारे छात्रों अभी हम लोग क्या किए, U को बाहर किए और V का डिफरेंशिएशन किए, तो इतना सारा आ गया। लेकिन अब इसके बाद प्लस भी तो करना है, प्लस भी तो करना है, प्लस क्या, तो प्लस V को बाहर करना है, मतलब इसको बाहर करना है, साइन स्क्वायर एक्स के पावर पांच को बाहर कर लिए। अब यू का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, डी कितना कॉस एक्स क्यूब बटा वाट, यही ना। तो अभी हम लोग एक पार्ट को बोले तो ये फार्मूला होता है यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो यहां एक पार्ट को हम लोग इसको सॉल्व करके ये आंसर ला चुके हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे और फिर लाएंगे और दोनों के बीच क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हम लोग, मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, वरना हम क्या करते दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, क्योंकि यहां पे भी चैन रूल लगेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और उतना स्पेस नहीं है, तो हम एक एक पार्ट को सॉल्व किया है। पहले ये पार्ट का आंसर ला चुके हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, भी को बाहर निकाले हैं, यानी कि इसको भी माने थे तो भी को बाहर कर लिए। अब U का डिफरेंशिएशन, तो U का डिफरेंशिएशन यहां वाट डाले हैं, अभी यहां लिखे हैं वाट, वाट का मतलब अभी हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, कैसे करना होगा। तो चलिए एक तरफ का हम लोग कर लिए हैं और एक तरफ का प्यारे छात्रों आया हुआ है क्या आंसर, दिस आंसर आया है जो घेरे हुए है, ये आंसर हुआ है। तो चलिए अब इसको हम लोग मिटा देते हैं ताकि इसका तो हम लोग काम कर लिए हैं। तो अब इसके आगे जरा देखते हैं, भी को बाहर किए U का डिफरेंशिएशन, तो जरा आप समझिए जो बाहर हो गया है उससे हमको लेना देना नहीं रहता है, तो इसको एज इट इज वैसे ही लिखेंगे x के पावर 5 इंटू, अब किसके रिस्पेक्ट में, अभी वाट हम लिखे हैं मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो d cos x क्यूब बटा किसके रिस्पेक्ट में भाई, तो आप कभी भी इसका पावर वाला नहीं समझे, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स रहता तब हम समझते कि कॉस एक्स का क्या है, होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे पावर यहां है, इसका मतलब क्या है, ये एंगल में है, इसको पावर नहीं समझना है, कॉस का एंगल में है, कॉस एक्स जो होता है ना, तो एक्स की जगह पे एक्स क्यू है, तो हम लोग इसको कर दिए एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, और फिर से नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, तो डी एक्स क्यू बटा, अब तो फाइनल एक्स के रिस्पेक्ट में, तो टोटल मिलाकर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस होता है प्यारे छात्रों, माइनस, तो यहां हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यू एंगल में इंटू, पावर में 3 है तो बाहर आ जाएगा, और एक्स के पावर 3 में से एक घटा दीजिए तो बच जाएगा 2, तो टोटल मिलाकर अब इसको और इसको क्या करना है, ऐड करना है, यहां पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट पार्ट को सॉल्यूशन इतना आया है और इसको ऐड करना है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो टोटल मिलाकर आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर जो होगा वो हो जाएगा ये तो पहले आ गया 10 cos x क्यूब इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस, माइनस क्यों, ये वाला क्योंकि ऐड करना है ना, यहाँ पे इसका वैल्यू सब माइनस में आया है, गुना में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, और फिर सबको ऐड एडजेक्टिव उतार दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू, इसको 3 को पहले लिख दीजिए, 3 को पहले लिख दिए, और फिर एक्स स्क्वायर, यहां पे देखिए ये इंटू अलग है, ये तो एंगल में है, और एक्स स्क्वायर ये वाला, तो टोटल मिलाकर ये मेरा आंसर हो गया, और बुक का भी आंसर है। तो ये ज्यादा भारी समझना नहीं है, आप बिल्कुल सिस्टम तरीके से आप फार्मूले को समझिए, फार्मूले पे बैठाने का प्रयास कीजिए, तो कोई हार्ड नहीं है प्यारे छात्रों। तो आज हम लोग 5.2 का 5 नंबर और 6 नंबर को सॉल्यूशन किए हैं,
उसका आंसर ला चुके हैं, बुक का भी आंसर, खुद का भी आंसर, बहुत सारे चीज सीखे। अब दो क्वेश्चन और बच गया है, 7 और 8। अगर दो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो पूरा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज तक के यहीं तक के वीडियोज को स्टॉप करते हैं, क्लास को स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में हम लोग 5.2 को एंड करेंगे। धन्यवाद।